जरा समझाओगे कुछ बेटा? बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी वो होती है जो अगर वो नहीं रहेगी तो हम नहीं रहेंगे, उसका होना हमारे लिए बहुत जरूरी है। बायोडाइवर्सिटी के अंदर हम प्लांट्स, एनिमल्स और क्या कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वाटर, हर चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, और यही हमने अपने मॉडल में भी रिप्रेजेंट किया है। आज जो हम टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं तो हम कहीं ना कहीं अपनी बायोडाइवर्सिटी को खोते जा रहे हैं, हम ओल्ड कल्चर को भूलते जा रहे हैं जो बहुत गलत है हमारे लिए। अगर हम पेड़ काटते हैं तो हमें दोबारा पेड़ लगाना भी चाहिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए, रिसोर्स के लिए, एवरीथिंग के लिए। और अगर हम ये सब नहीं करेंगे तो हमारे मतलब फूड और शेल्टर की जो शॉर्टेज हो जाएगी वो बहुत फेस करना पड़ेगा हमें भी, एनवायरनमेंट को भी और एनिमल्स को भी, जो बहुत प्रॉब्लम है। ऐसी कई जगह हैं इंडिया में जहाँ पे हमें एनिमल्स की क्या कहते हैं हमें एनिमल्स नहीं मिल रहे, जैसे कि टाइगर, बंगाल टाइगर एक टाइम पे इंडिया में बहुत ज़्यादा थे पर प्रेजेंट टाइम में नहीं है। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि हम कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी की तरफ जाके अपने बायोडाइवर्सिटी को खोते जा रहे हैं। पॉपुलेशन का बढ़ना भी यही रीज़न है कि बायोडाइवर्सिटी कम हो रही है। और शेल्टर्स बढ़ाना वो गलत नहीं है, वो सही है, आप बढ़ाइए, बट कहीं ना कहीं आप बायोडाइवर्सिटी को ध्यान में रखिए। इसीलिए हमने ये मॉडल मतलब ये